पेंट होने वाला है ना भाई साहब, जेड ब्लैक, बिल्कुल ग्लोसी वाला जो उसके ऊपर पेंट यूज करेंगे हम, ताकि लगे अलबार जो कि हमने परचेज कर लिया था, क्योंकि जैसे हम बाइक लेके आए थे हमने रास्ते में से इसको भी। अपनी यूट्यूब फैमिली आपकी बहुत बहुत बढ़िया होगी, तो बहुत दिनों के बाद जो है ना आप ब्लॉग लेके आ रहे हैं, तो समीन आप लोगों ने देख लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई दिनों के बाद जो है ना मॉडिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो आज से जैसी सीरीज स्टार्ट है, मतलब अभी हम आपको धीरे धीरे प्रोग्राम जो भी रहने वाला है वो बताते रहेंगे क्या क्या इस बाइक के ऊपर हम करने वाले हैं, मतलब बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, आप लोगों को मज़ा आने वाला है, आप लोगों को मॉडिफिकेशन दिखने वाली है, और क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है ना यार, कन्वर्ट होने वाली है ये अवेंजर टू हार्ले, और हार्ले कौन सी बनाएंगे आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा, और ये बातें भी थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने जल्दी जाकर सब्सक्राइब करना, लाइक करना या सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि अमेजिंग अमेजिंग जो है ना मॉडिफिकेशन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो ये मैं बाइक चेक करवाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि आज हम करने के हवाले और क्या क्या इसके बारे में सामान जो हमने ऑर्डर किया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ये है अपने पास अवेंजर 220, जो कि 2009 मॉडल है, सेकंड ओनर है, जो कि हमारे पास भाई ने हमारी वीडियो देख के जो है कुछ, मतलब किसी ने बताया था कि हम मॉडिफिकेशन करते हैं, तो भाई ने हमारे को कॉन्टैक्ट किया, यहीं पे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, खास घर इनका पास में ही है। बट बात करते हैं बाइक की, तो बाइक की अब हालत वगैरह देख सकते हो, मतलब कि काफ़ी खस्ता हालत है। ये कुछ कह रहे हैं कि मतलब लॉकडाउन के बाद जो है चली नहीं है, खड़ी रही है, फिर भी 1.5 साल स्टार्ट के अंदर जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अगर इसके मैं क्रोम की बात करूँ, तो क्रोम वगैरह कुछ हद तक जो है ना इसके बचे हुए हैं, जंग नहीं लगे हुए इतने, कुछ खास बच गए, लेकिन कहीं कहीं अगर रस्टिंग वाला एरिया देखा जाए ना, तो बहुत सारा जो एरिया रस्टिंग हो चुका है। और इंजन जो है इसमें सिल्वर है, सिल्वर की जगह हम इस पूरे इंजन को ब्लैक करने वाले हैं। टैंक इसके अंदर चेंज करने वाले हैं, टैंक जो चेंज करने वाले हैं वो आपको अगली अगली वीडियो में पता लगता रहेगा, कौन से हम इसके अंदर टैंक यूज़ कौन से क्या, एक टैंक है जो कि भाई की चॉइस है, हम वो इसके अंदर लगाने वाले हैं, डन। और रही इसके मीटर वगैरह की बात, तो इसके अंदर अपना मीटर है वो यहाँ रहने वाला तो नहीं है, कहीं और उसको कन्वर्ट करेंगे। रही बात हैंडल बार की, हैंडल बार भी इसमें जो है चेंज हो जाएगा, सीट चेंज हो जाएगी इसकी, और बैक लाइट चेंज हो जाएगी, और कुछ पार्ट जो इसके आज पेंट, मतलब आज नहीं, धीरे धीरे जो है पेंट होने वाले हैं, सॉरी। और अभी तक यार मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए, न्यू ब्लॉग्स जैसे मॉडिफिकेशन हो गया, राइडिंग हो गया, एंड न्यू बाइक्स लॉन्चिंग होगी, तो ऐसे ऐसे ब्लॉग अपने चैनल पे आते रहते हैं, मिक्सअप ब्लॉग हैं, तो इस चीज़ को मत इग्नोर किया करो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन चीज़ों के अंदर। तो होप करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और मेहनत के बारे में भी आप समझ गए होंगे। तो इस बाइक में जो खर्चा आने वाला है, लास्ट में आपको खर्चा भी नज़र आ जाएगा, क्या इसमें खर्चा रहा है, क्या इसके अंदर जो है मटेरियल यूज़ हुआ है। तो बात करते हैं कुछ सामान की, जो हमने इसके कुछ सामान जो लेके आ चुके हैं, और कुछ जो सामान है अभी तक आया नहीं है, ऑर्डर पे है, और बाकी कुछ सामान जो है मिल नहीं रहा है। तो ये तो वैसे 3-4 दिन से जो अपने घर पे खड़ी हुई है, मतलब प्रोग्रेस शुरू करने के लिए 3 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 3 दिन से घर पे खड़ी है, लेकिन सामान कुछ नहीं मिला। तो मैं इसलिए इसको छेड़ नहीं रहा था, क्योंकि यार देखो बार बार अंदर बाहर करना औखा हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे सामान होते हैं जो दिक्कत करते हैं, फिर अगर एक भी सामान जो गुम हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो मैं जो सामान है मैं फिलहाल के लिए लेके आ गया हूँ, आप लोगों को एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो कैसी लग रही है आप लोगों को अवेंजर, और ये बच्चे हमारे यहाँ खड़े हो गए हैं देखने के लिए कि वीडियो बन रही है यूट्यूब पे। तो सीट वगैरह देख सकते हो, सीट भी जो इसकी कस्टम होने वाली है, ये सारा इसका हट जाएगा, एंड इसका हैंडल बार जो है, ये हैंडल बार काफ़ी हाइट पर है, तो हैंडल बार भी जो इसका ये हट के जो हार्ले का नॉर्मल वाला जैसे हम कह सकते हैं आफ्टर मार्केट होता है वो आने वाला है। इसकी जो हेडलाइट है, हेडलाइट भी चेंज करके इसके अंदर हम कोई HID वगैरह डालने वाले हैं, मरगार्ड इसका कटिंग होकर कुछ शॉर्ट कर देंगे। रही इसके लेग गार्ड वगैरह की, लेग गार्ड भी इसमें चेंज हो जाएगा, इंडिकेटर इसमें चेंज हो जाएंगे, और ये चाबी का जो पॉइंट है इसको भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कहीं अच्छी जगह पर इसको एडजस्टमेंट करेंगे। और इसमें जो है 5 गियर्स हैं यार, मतलब एक 4 गियर आती है, 5 गियर वाली है, क्योंकि 220 है, रेडिएटर वाली है। सो गाइज ऐसे दिखते हैं फिलहाल के लिए कुछ बाइक, और भाई साहब जो इस पर खर्चा आने वाला है वो इसके मैं बैक साइड में बताता हूँ। सारा कुछ जो है इसका ना रस्टिंग हो रखा है, बिल्कुल ही ऑयल ऑयल रखा है इसके ऊपर, सारा साफ़ करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, एक एक पार्ट जो है इसका खुलने वाला है। बैक लाइट में दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को, बैक लाइट भी बिल्कुल ही टूटी पड़ी है, ये देखो ये सारी नीचे से टूटी हुई है। ये वाला एरिया भी इसका सारा ख़राब हो रखा है, इसको भी रिन्यू करेंगे, इंडिकेटर वगैरह सारे चेंज हो जाएंगे, कोशिश करेंगे सारा। और जो इसके ऊपर पेंट होने वाला है ना भाई साहब, जेड ब्लैक, बिल्कुल ग्लोसी वाला जो इसके ऊपर पेंट यूज़ करेंगे हम, ताकि लगे यार वाकई में कोई चीज़ इसके ऊपर काम हुआ है। यार अगर देखो कस्टमर ने कोई चॉइस दिया है, कोई भरोसे से अपने को बाइक दिया है कि मॉडिफिकेशन करनी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस तक एक अच्छा वर्क करके हम दें उनको, ताकि दूसरे भी जो है उस बाइक को देखें और अपने को वर्क करके करने के लिए दें।
तो अगर किसी भी भाई ने अपनी बाइक मॉडिफिकेशन करानी है तो अपने चैनल पे आके कॉन्टैक्ट कर सकता है, इंस्टाग्राम पे भी आ सकता है, तो अपने को वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है। बहुत सारी आपको मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे आप चाहोगे वैसे देखने के लिए मिल जाएगी। ये खड़ा अपना ब्लैक पैंथर, एंड तो देख सकते हो ये कुछ कंडीशन है। एक बार मैं आप लोगों को सामान चेक कराता हूँ, जो जो अपने पास सामान आ चुका है वो एक बार चेक करा देता हूँ मैं आपको। सो गाइस चेक करो, ये अपने ब्लैक मैट ब्लैक पेंट स्प्रे है जो कि इंजन पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ जस्ट इंजन पे और थोड़े बहुत जहाँ पे पार्ट्स मैट वाले हैं उस एरिया पे इसको यूज़ करेंगे हम। क्योंकि देखो इंजन वगैरह पे अगर हम गन पेंट करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि अपना वो मतलब करना चाहिए वहाँ पे, बट ये वाला चल जाएगा काफ़ी मतलब बेटर है। और रही बात टैंक वगैरह की पेंट की, तो उस पर भी हम अच्छा खासा कर देंगे। और ये बैक ग्लास जो कि टूटा हुआ है तो ये भी हमने नया अभी फ़िलहाल के लिए मंगा लिया। तो मतलब जो जो छोटा छोटा सामान है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो सामान हमने मंगा के रख लिया। अब बात करते हैं उसके हैंडल बार की, अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो गाइज़ ये अपना हैंडल बार जो कि हमने परचेज़ कर लिया था, क्योंकि जैसे हम बाइक लेके आए थे हमने रस्ते में से इसको भी परचेज़ कर लिया था। अपने अनूप भाई, उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा मैं आप लोगों को, दुकान का नंबर बता दूंगा। तो मैंने काफ़ी दुकान नंबर अपनी वीडियो में दिए भी हैं शायद उनके, और दुकान के बारे में बताया। तो कोशिश करता हूँ कि यार उनका अच्छा खासा मतलब कि मैं बताता हूँ कि आप लोग चले जाओ उन पे, अच्छे खासे आपको रेट देखने के लिए मिल जाएंगे और सामान भी जो है मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है। सो ये गाइस अपना फिलहाल देखने के लिए हैंडल बार है, तो ये हैंडल बार वो निकलने वाला है और ये डलने वाला है। सो गाइस अमेजिंग, मतलब इमेजिन करो कि क्या फील आने वाला है राइड पे एंड मॉडिफिकेशन पे, और लास्ट जो इसकी वीडियो रहने वाली है वो कितनी अमेजिंग हो जाएगी। तो आप लोगों को जो मज़ा आने वाला ना यार, मतलब आप लोग ये कहोगे यार वाकई में एक अवेंजर के ऊपर हार्ले की फील लेना कम बजट के अंदर। यार देखो सबका सपना होता है कि हम एक अच्छी सुपर बाइक एंड एक अच्छी हार्ले जो है हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम सोचते हैं कि एक अच्छे खासे कम प्राइस के अंदर हम उसको अफोर्ड कर सकें। देखो यार सिंगल सिलेंडर है, देखो कहीं ना कहीं अपने को मतलब समझना पड़ता है कि हम भी खरीद नहीं सकते लेकिन बनवा जरूर सकते हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है, क्योंकि अभी इसके पार्ट्स आएंगे। अभी हमने आप लोगों को ये बताया कि अभी ये काम इसके ऊपर होने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि हम इसको सारे को ओपन करें और धीरे धीरे जो इसकी सफाई स्टार्ट करें, पेंट वगैरह का प्रोसीजर स्टार्ट करें, है ना गाइस। सो बात करते हैं हम इसके मतलब जो इसके ब्रेक्स वगैरह ना यार, दोनों के दोनों जो है ख़त्म हो रखे हैं, पिछले वाले भी बिल्कुल ही जीरो हो रखे हैं, मतलब कि अगर ब्रेक मारता हूं ना खच जैसी आवाज़ आती है, मतलब एंड है। और इसके जो अगले फ्रंट डिस्पैड है तो वो भी बिल्कुल डेड हो चुके हैं, तो वो भी एक बार चेक आउट कराता हूँ मैं, मतलब जो उनसे मैं लेके आ चुका हूँ वो कल से शुरू कर देंगे इसका काम। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि डिस्पैड कैसे डलते हैं और ब्रेक शू जो बैक वाले हैं वो कैसे डलेंगे, तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। यार बाइक की हालत देखो, मतलब जीरो जीरो बाइक की हालत है। पाँच छः महीने ये कह सकते हो कि काफ़ी टाइम से जो है घर के अंदर खड़ी है पार्किंग में, और फिर भी ये हाफ साल स्टार्ट हो गई थी। और धीरे धीरे यार जो इसका प्रोग्रेस रहने वाला है ना, आपको मज़ा आने वाला है। क्या यार मतलब मैं खुद हमें सोचने के कन्फ्यूज़ हूँ कि मतलब कैसी ये बाइक का जो एंड पॉइंट होगा, मतलब जहाँ पे जाके हार्ले वाली फील देने लगेगी, तो मैं भी खुद उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। और क्या मज़ा आने वाला है यार, सीरियसली मैंने चलाई, मेरे को वैसे ही मज़ा आ रहा है, लेकिन मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या मज़ा आएगा आप सबको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। सो होप करता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों ने अभी कि आपको और इसके अलावा इस बाइक के ऊपर क्या क्या देखने के लिए चाहिए। सो भाई लोग ये है अपने फ्रंट डिस्पैड, सो ये मैंने यूज़ करे हैं सोनी कंपनी के, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब कह सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है यार, बस सीधी सी बात ही है। तो फ्रंट में हम जो ये वाले डिस्पैड, क्योंकि इसमें डिस्क है तो ये डिस्पैड हम फ्रंट में यूज़ करने वाले हैं। एंड ये रहे अपने रियर ब्रेक शू जो कि ड्रम ब्रेक हैं, तो ये कुछ यूज़ करने वाले हैं। इसकी भी जो अच्छी क्वालिटी, दोनों सेम है सोनी कंपनी के, मैं दोनों लेके आया हूँ अगले और पिछले, तो बहुत अच्छी ब्रांड कंपनी है और वर्क भी काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। काफ़ी मैंने बाइकों में यूज़ करते हुए देखा और लगाए भी हैं, तो अच्छा वर्क जो इसका प्रोसेस रहता है। तो ये है अपने डिस्पैड, इस डिस्पैड की भी बात होगी है, तो ये अभी मैं आप लोगों को सामान दिखा रहा हूँ जो कि इस बाइक के ऊपर यूज़ होने वाले हैं, और धीरे धीरे जो इसके ऊपर अभी हम मतलब पेंट प्रोसेस एंड टैंक प्रोसेस, टैंक भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, मीटर वगैरह भी दिखा दूंगा कैसे कैसे इस पर हम प्रोग्रेस करने वाले हैं गाइस। सो गाइस ये था आज का व्लॉग जो कि हम आप लोगों को प्रोसेस बता दिया कि हम ये प्रोसेस इसके ऊपर करने वाले हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके ऊपर मतलब होने वाले हैं, और अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया प्रोसेस लेके और नई चीज़ें लेके, जैसे जैसे इसमें खुलता रहेगा तो आपको प्रोसेस पता लगता रहेगा। और किसी ने भी अपने बाइक को जो है मॉडिफिकेशन कराना तो आगे अपने पास करवा सकता है,
काफ़ी अच्छी चीज़ जो है अपने पास मॉडिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है वो अपनी तरफ से हम करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, लाइक जरूर कर लिया होगा, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके पास कौन सी बाइक है और कैसी आप लोगों ने मॉडिफिकेशन कर रखी है, क्योंकि मुझे भी पता लगे यार, मतलब और भी जो हमारे माइंड में नहीं है शायद आपके पास हो, वो अपने को पता लगता रहेगा। सो गाइस, होप करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट वीडियो का आपको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब का आप लोगों ने बटन भी दबा दिया होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग में।